जय माता दी। भक्तों के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्र का अत्यंत महत्व माना गया है। माता के गुप्त रूप से पूजा करने के कारण ही इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वैसे तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधकों के लिए बेहद खास होती है, क्योंकि विशेष तौर पर ये समय साधकों के लिए गुप्त सिद्धियां पाने का होता है। तंत्र साधनाओं को गुप्त रूप से किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि विशेषकर महाकाल, तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कठोर नियमों के साथ व्रत और साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है और भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर माँ उन्हें अतुल्य शक्तियों का वरदान देती हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजे जाने वाली 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं। पहली माँ काली, दूसरी माँ तारा देवी, तीसरी माँ छिन्नमस्ता, चौथी माँ त्रिपुर सुंदरी, पांचवी माँ भुवनेश्वरी, छठी माँ त्रिपुर भैरवी, सातवी माँ धूमावती, आठवी माँ बगुलामुखी, नौवी माँ मातंगी, दसवीं माँ कमला। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।